सोनाली फोगाट का एक वीडियो हुआ वायरल, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं सोनाली फोगाट जो है नशे की हालत में हैं और इनके पैर जो हैं बिल्कुल लड़खड़ा रहे हैं, चला इनसे भी नहीं जा रहा है। और सुधीर सांगवान जो है इनको सहारा दे करके आगे ले जाने लग रहे हैं, लेकिन सोनाली फोगाट से चला नहीं जा रहा है। और ये वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहा है, सीसीटीवी की फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सोनाली फोगाट जो हैं इन्होंने कोई ड्रग्स या कोई नशा इन्होंने किया हुआ है, और सुधीर सांगवान जो इनके साथ में हैं इनको कहीं ले जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस वीडियो के बाद इनको 2 घंटे तक बाथरूम में भी बंद करके रखा गया था। यही वो वीडियो है, यही वो सीसीटीवी फुटेज है जो गोवा के होटल की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि गोवा पुलिस ने इस फुटेज को निकलवा कर वायरल किया है। ये वही फुटेज है, ये वही होटल है जिसमें आप साफ साफ देख रहे हैं सोनाली फोगाट जो है सुधीर सांगवान के साथ ड्रग्स के नशे में, हो सकता है इनको ज़्यादा ड्रग्स दिया गया है, हैवी ड्रग्स होने के कारण इनसे चला भी नहीं जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की, HR न्यूज़ चैनल के माध्यम से। फ़िलहाल इस क्लिप में ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही है। और ये सीसीटीवी फुटेज लगातार वायरल होती जा रही है हर सोशल मीडिया अकाउंट पर। गोवा पुलिस ने बताया है कि सुधीर सांगवान ने अपना जुर्म कबूल किया है। इस तरीके से और गिरने वाली होगी है सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ले जाया गया था, ये बात सामने आ रही है। गोवा पुलिस ने कुल मिलाकर जिस चीज का अंदेशा लगाया जा रहा था, जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था, और ये वो अंदेशा सुधीर सांगवान ने दोनों सोनाली फोगाट को ले जा रहा है ये बाथरूम की तरफ, और वो लगभग गिरने की हालत में देखिए यहाँ से निकलते हुए चल रही है, किसी तरीके से डक वॉक किसे कहते हैं जब नशे में पांव लड़खड़ाते हैं, और यहाँ पर ऑलमोस्ट वो गिर ही गई हैं। ये देखिए यहाँ पर वो गिर ही गई हैं, तो ये वो फुटेज है।